नमस्कार, आप देख रहे हैं राइड इनसाइड न्यूज और मैं बंटी विश्वकर्मा आपके साथ। झारखंड राज्य के निरसा विधानसभा अंतर्गत चिरकुंडा के नेहरू रोड बिल्कुल चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के विपरीत और स्थित आरोग्य वेलनेस सेंटर में एक दिवसीय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सेंटर के डायरेक्टर राजेश सिन्हा के मुताबिक इस सेंटर में करीब 4 सालों से विभिन्न थेरेपी के माध्यम से कई तरह की बीमारियों को लगभग जड़ से खत्म कर दी जाती है और वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि इस थेरेपी से कैंसर जैसे बीमारी से भी बहुत हद तक आराम मिलता है। मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे से लगी एक दिवसीय विशेष कार्यशाला में आसपास निरसा एवं कुल्टी बढ़ाकर से कई व्यवसायी एवं समाजसेवियों ने भाग लिया और खाने पीने के माध्यम से स्वास्थ्य को ठीक रखने के गुर सीखे। कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं आरोग्य वेलनेस सेंटर के वरिष्ठ निदेशक सूरत से अल्पेश चौटालिया उपस्थित हुए, जिन्होंने थेरेपी के विभिन्न गुर और आरोग्य सेंटर के विशेष प्यूरिफाई फिल्टर से निकलने वाली पानी से कितना ज्यादा स्वास्थ्य को फायदा हो सकता है, जिसकी लोगों को जानकारी दी। वहीं कार्यशाला में लगे विभिन्न थेरेपी सामानों से कैसे और लोगों को क्या फायदा हो सकता है, जिसकी सेंटर के ही एक सक्रिय सदस्य कोमल कुमारी ने जानकारी दी। मशीन है। क्या मशीन है? ऑटोमेटिक बेड मशीन है। इसमें आप देखिए, इसमें हम लोग का रोलर लगा है, आप जैसे ये वाला हम लोग ऑन होगा, वही अंत में चिरकुंडा वेलनेस सेंटर के निदेशक राजेश सिन्हा ने पूरे कार्यशाला से मिलने वाले लाभ को संक्षिप्त में लोगों के सामने दर्शाया। 20 साल के बाद जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं क्रॉनिक बीमारी के शिकार हो, चाहे वो बीपी हो, थायराइड हो, शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, ऐसा तो किसी भी बीमारी के लिए हम खाना और पानी कैसा पिए, मैनेजमेंट कैसे करें, जिससे हमारा मेडिसिन के ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी है वो कम से कम हो जाए और खाने और पानी से हम अपने बीमार को नॉर्मल रख सकें, इसी के बारे में आज एक हेल्थ जागरूकता प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ लिया, जिसके लिए आज हमारे बीच जो आए हुए थे, जिनको 14 साल का एक बहुत बड़ा अनुभव है, इंडिया और इंडिया के बाहर कई देशों में इन्होंने काम किया है, ठीक है, तो इनको हम लोगों ने बुलाया, इन्होंने ये बताया कि हेल्थ को कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं पानी और खाने से, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना ही मकसद है। चिरकुंडा सेंटर के अन्य सदस्यों में सोमा लायक, अश्विनी शर्मा, प्रियंका पांडे एवं प्रिया उपस्थित थी।